इस माध्यमिक गणित के पाठ में शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से कुछ ऐसी नाटिकाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा है जो यह दिखाएं कि गणित में उन्होंने जो सीखा है वह रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ता है। तलों के क्षेत्रफल और ठोस आकार के आयतन के बारे में विद्यार्थियों ने पहले जो पढ़ा है उसे वे मजबूत कर रहे हैं। जो ग्रुप्स हैं हमारे पास में कुछ एक, इन्होंने अपना लघु नाटिकाओं के द्वारा इन चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की है। ग्रुप वन जो आपके सामने है, इन्होंने एक नाटिका बनाई हुई है जिसमें इन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि शंकु और बेलन के आयतन में संबंध। आप आएँ और अपनी लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे, ठीक है? तीनों लोग को बराबर मिलना चाहिए। पूजा बहन, ये ऐसे हमेशा लड़ा करते हैं, तो आप ऐसा कुछ बताइए कि इन तीनों को इसमें जो भी है बराबर बराबर मिल जाए। रुकिए भैया, अभी मैं आती हूँ। ये लीजिए भैया, इन तीनों को इनसे बांट के देखिए। देखो भैया, अब ये खाली हो गया। लेकिन बुआ जी, आपने ऐसा क्या किया जो तीनों लोग को बराबर मिल गया? एक ऐसा शंकु बनाओ, शंकु का आधार बेलन के आधार के बराबर हो और शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो। अब कभी भी ऐसे लड़ना नहीं, कोई भी चीज चाहिए तो यही टेक्निक अपना लेना। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बारे में आश्वस्त हैं और वह उन पर भरोसा करते हैं, इसलिए वह नाटिका देखने के लिए कक्षा में पीछे खड़े हैं। बच्चों ने एक समूह में नाटिका प्रस्तुत की छोटी सी, जिससे हमें ये समझाया कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का एक तिहाई होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। जब हम लोग को सर पढ़ा रहे थे आयतन के बारे में शंकु के, उसमें मज़ा भी बहुत आया, तो हम लोग सोचा इसको छोटा सा नाटक बना के प्रेजेंट करके क्लास में दिखाएंगे। जो हम आपस में भाई बहन लड़ते हैं मैम कम ज़्यादा सामान के लिए, हम लोग मैम आप घर में आपस में बंटवारा बराबर कर सकते हैं मैम, आयतन निकालना हमको आ गया। अब हमारे पास दूसरा ग्रुप आएगा, वो अपनी नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है? ये नाटिकाएं विद्यार्थियों को समूह में काम करने के और शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के मौके देती हैं। मेरे पिताजी को एक डब्बे में पेंट करवाना है, अपने पिताजी की आकृति बनवानी है, क्या बना देंगे जी? ये बात करिए पिताजी से। क्या है बाबू जी? इसका 1000 रुपये लगेगा। ये आप तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, किस हिसाब से 1000 रुपये ले रहे हैं? तुम बता दो कितना रुपये लगेगा, ये भी मेरे साथ आए। एक वर्ग सेंटीमीटर का लगेगा आपका 2 रुपये। आपका कहना है कि मतलब एक वर्ग सेंटीमीटर की पुताई का 2 रुपये लगेंगे? अच्छा बेटा, रमेश सुरेश यहाँ जरा। अरे जो पेंटर बेटा लेकर आए हो वो तो बहुत महंगा बता रहा है, कह रहा है 1000 रुपये हम लेंगे। जो राम राय ने एंड का वो किया, ऐसे हम लोग को कोई ठग नहीं सकता, ऐसे कोई हम लोग को मतलब बेवकूफ़ बना के ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता। हम लोग निकाल सकते हैं और सही पैसे अपना मतलब सही पैसे दे सकते हैं। सर से हम लोग नहीं डरते थे, लेकिन हम लोग के मन में डर रहता था कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत कर देंगे, सारे बच्चे देखेंगे कि इसको सवाल नहीं आता, तो इस वजह से डर लगता था। बच्चों अभी हम लोगों ने एक और लघु नाटिका देखनी है, टीचर खेल करके बेलन शंकु और गोले के प्रयत्नों के बारे में समझेंगे और जानेंगे। आपने देखा कि हमें कहीं भी किताब में ऐसी चीज़ें नहीं दी होंगी, जो भी कुछ हम लोग देखते हैं समझते हैं हम लोग उसी को करते हैं, प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं उसका। किताबी ज्ञान तो केवल एग्जामिनेशन के लिए होता है, ये ज्ञान हमारा जीवन भर काम आएगा। और सभी बच्चे जाएं अपने घर पर और इसके आयतन जो भी कुछ मिले, बेलनाकार शंकुआकार और बॉल, उसका निकालें आप आयतन, जो ना समझ में आए हमसे पूछें। बात कही थी वो अच्छी कही थी, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हमारी डेली लाइफ में भी काम आएगा। तो अगर हम लोग अगर ज़्यादातर ऐसे ही हर सब्जेक्ट का ज़्यादातर प्रैक्टिकली करके देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, और अगर किताब से रटेंगे तो मैम सिर्फ पेपर ही तक किया पाएगा, बाद में भूल भी जाना। आप क्या
ये विद्यार्थी अपने विद्यालय के गणित को रोजमर्रा की समस्याओं से जोड़ रहे हैं। आप अपनी कक्षाओं के साथ ये कैसे कर सकते हैं?